हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने जो भी अवध यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के बारे में बताया, उसमें जो है CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो CCS यूनिवर्सिटी से अभी क्या क्या अपडेशन है वो मैं आपको बता दूंगी एंड प्रैक्टिकल के डेट जो है कब तक आने वाले हैं ये भी मैं बता दूंगी। क्यों रुका हुआ है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ एंड कब तक प्रैक्टिकल हो सकता है मैं बता रही हूँ, कन्फर्म नहीं है। हमारी जिस तरह से जो भी रिसोर्सेस हमें पता चला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो है अभी UG PG के एग्जामिनेशन को और रिजल्ट को लेकर के ही सबको नोटिस आ रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। अब जो है नए एडमिशन के लिए, BEd के एडमिशन के लिए, MEd के एडमिशन के लिए जो है पोर्टल भी ओपन हो गया है। तो अभी इसमें यही चीज़ें चल रही हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो BEd का एग्ज़ाम तो ले लिया गया है लेकिन प्रैक्टिकल में जो अटका दिया गया है एंड प्रैक्टिकल कब तक होगा उसका रीज़न आपको पहले बता दिया यूनिवर्सिटी ने कि क्योंकि इंटरनल मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए थे इसकी वजह से लेट हो रहा था। अभी जो है इंटरनल मार्क्स से रिलेटेड उन लोगों को जो है मार्क्स मिल चुका है, तो अभी जो डेट आ सकती है आप लोगों की प्रैक्टिकल की, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो है 22 या 23 के बाद, यानी कि 22 के बाद 22 अगस्त के बाद जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल होने के चांसेस है। ये जो BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका प्रैक्टिकल रुका हुआ है वो 22 अगस्त के बाद जो है वो लोग डेट निकाल सकते हैं और वो जो भी डेट निकलेगा 1 या 2 दिन के लिए निकलेगा। तो आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिए, अपना सब फाइलिंग और जो भी आपको रेडिंग करना है सब कुछ करके रखिए, उसमें लेट मत कीजिए क्योंकि डेट जो निकलेगा 1 या 2 दिन का होगा, उस समय आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और ये एटलीस्ट आप लोग का प्रैक्टिकल के बाद ये सारा प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आएगा फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको दिया जाएगा इस चैनल पर। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।